नमस्कार, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एड ने डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से करना है। आपको कर्सर परचेज पर लेके जाना है। यहाँ पर परचेज के पास से प्लस बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा एड ने डिस्ट्रीब्यूटर का, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी नंबर लिखना है। उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर का नाम फेच हुआ दिखेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर उनका ईमेल आईडी आप लिख सकते हो। यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और उसमें मोर इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, तो यहाँ पर आप उनका बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर और ड्रग लाइसेंस भी उसमें आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन है पेमेंट ड्यू डेट का। यहाँ पर आप कस्टमर को पे करते हो, वो पेमेंट साइकिल है वो यहाँ पर डे वाइज यहाँ आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हो। थैंक यू। अभी देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन से डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे परचेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उनका जो जीएसटी नंबर है वो लिख देना है। जीएसटी नंबर लिखने के बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उनका नाम फैच कर लेगी सिस्टम। यहाँ पर आप उनका ईमेल आईडी लिख दीजिए और मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हो गया है। इस तरह से मोबाइल एप्लीकेशन से आप डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर सकते हैं।